करिए, यह देश जब विदेशी आक्रांताओं से आहत हो रहा था, उस समय उस कालखंड में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से जन चेतना को गांव गांव में जागरूक करने का काम किया था, रामलीलाओं का मंचन किया था, रामलीलाओं के माध्यम से उन्होंने एक एक गांव को जोड़ने का काम किया था। आज भी गांव गांव में रामलीलाओं का आयोजन बिना किसी सरकार की आश्रित होकर के आम जनमानस करता है, उसी श्रद्धा भाव के साथ। सभी पात्र उसी गांव के नौजवान बनते, उनके अंदर कला एक नए रूप में देखने को मिलती है, संवाद की अपनी एक शैली वहां गांवों के अंदर अलग अलग स्तर पर देखने को मिलती है। गांव में सामाजिक सद्भाव स्थापित होता है, सनातन धर्म के मूल्य मजबूत होते हैं। और उस समय तुलसीदास जी को भी तमाम प्रलोभन आए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा तुलसीदास जी को कि आप भी बादशाह के दरबार में आइए, आपको भी नवरत्न से लोग सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कौन बादशाह? कहा अरे राजा भारत का। उन्होंने कहा नहीं, भारत का एक ही राजा है और राम है, और भारत की रामलीलाओं में आज भी यह मंत्र और यह नारा गूंजता है, बोले राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की जय की बात। ये तुलसीदास जी ने उस कालखंड में दिया था नारा। उन्होंने कहा था नहीं, भारत का एक ही राजा है, वह केवल राम है, राम के अलावा कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। यह है एक संत की निरता, निर्भीकता। याद रखना जो मैंने कहा, लीक से हटकर के जब भी हम काम करेंगे वह विशिष्ट होगा, लोगों को आकर्षित करेगा, लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। प्रभु श्री राम की कथा इसके बारे में हमारे सामने नहीं, एक उदाहरण युग तुलसी के रूप में विख्यात पूज्य राम किंकर जी महाराज की पूरा जीवन तुलसी साहित्य के प्रति, मानस के प्रति समर्पण का था। उसकी एक विशिष्ट व्याख्या और चिंतन के माध्यम से एक विशिष्ट शैली का उन्होंने सूत्रपात किया। हमें इस बात को याद रखना होगा कि लकीर का फकीर जो बनता है वह साधारण होता है, लेकिन लीक से हटकर के जो विशिष्ट कार्य करता है वही विशिष्ट होता है और वही महापुरुष होता है। अपनी कथा के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से कथा की जिस विशिष्ट शैली को उन्होंने जन्म दिया, उसने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के और एक झोपड़ी में निवास करने वाले साधारण इंसान तक सबको लाभान्वित किया। कोई भेद नहीं था, और राजप्रसाद में रहने वाला कोई राजा हो या फिर कोई सबरी जैसी कोई भक्तिन हो, राम के प्रति जिसका अनुराग है वह राम किंकर जी महाराज की कथा का आनंद ले सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। यह पूज्य महाराज जी की कथा के माध्यम से हम सब ने देखा, और लंबे समय तक उसी निष्ठा के साथ, उसी भाव और भावना के साथ लगभग 60 वर्षों तक, 6 दशक तक उन्होंने मानस के माध्यम से सनातन धर्म की, देश की बहुमूल्य सेवा की, और उनकी इन्हीं सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया।